वीडियो में द साउंड ऑफ म्यूजिक के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। द साउंड ऑफ म्यूजिक के बारे में मैं पहले आपको यहाँ तक सेवन तक ऑलरेडी क्लियर करा दिया हूँ। थोड़ा सी बैक से आगे चलते हैं। ये जो कहानी है, इस कहानी में एक एवलिन ग्लिन नामक बच्ची है जो कि सुनती बहुत कम, मतलब सुन नहीं पाती। 8 साल के अवस्था में अपनी सुनने की क्षमता क्या कर देती है, खो देती है। धीरे धीरे मतलब पूरी तरीका से उसके नर्व्स डैमेज हो जाते हैं, ऑलमोस्ट वो सुन नहीं सकती है। और जब उसके नर्व्स डैमेज हो जाते हैं, लेकिन नर्व्स डैमेज होने के बावजूद भी वह अपनी लाइफ को दृढ़ संकल्प तक रखती है, डिटरमाइन तक रखती है कि हमें हर हाल में म्यूजिक की दुनिया में ही रहना है। इतनी बेहतरीन तरीका से अपने आप को समर्पित करती है उसको कि वो अब म्यूजिक को फील करती है। म्यूजिक को क्या करती है, वो फील करती है। मैं अपने पुराने वीडियो में उस चीज़ को जिक्र कर दिया हूँ, आप उसको नॉर्मली देख सकते हैं। डायरेक्ट हम आते हैं एक पैराग्राफ की तरफ। उसमें ये जिक्र किया हो कि जब वो कहीं स्टेज पे, जब उडिन स्टेज पे वो जाती थी परफॉर्म करने के लिए, तो क्या करती थी कि अपने शूज या स्लीपर को बाहर उतार देती थी ताकि जब वो उडिन स्टेज पे जाए तो अपने पैरों के तालू के चलते वो तालू के कारण वो फील करती थी म्यूजिक को और अच्छा से क्या करती थी, परफॉर्म कर देती थी। क्या बेटा, उडिन स्टेज नहीं रहता था तो जो नॉर्मली कार्पेट वगैरह रहते थे ना, मतलब वो नॉर्मली कोई भी स्टेज जाता था तो क्या करती थी कि अपने शूज को चप्पल को बाहर उतारती थी और उसी के सहारे जो पैर के निचला पोर्शन होता है जो तालू, उसी के सहारे वो म्यूजिक को फील करती थी। मतलब वो जो था ही म्यूजिक को अपने बॉडी के बहुत सारे हिस्सों को फील करती थी और फील करके उसको बेहतरीन तरीके से क्या करती थी, वो परफॉर्मेंस करती थी। फिर इसमें जिक्र किया गया है कि कहीं कहीं पर हाई पिचेस को अपने वेस्ट के ऊपर के तरीके से और कहीं कहीं पर लो पिचेस को वेस्ट के निचले हिस्सों को क्या करती थी, फील करती थी। वो जाती थी थोड़ा अच्छा से बेहतरीन तरीके से क्लियर है। अरे कि Not surprisingly, Evelyn delighted her audience. In 1991, she was presented with the Royal Wave Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. मतलब पर एक in 1991 में she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious और द ईयर अवार्ड। अरे कि सीज मास्टर प्रिकॉशनिस्ट जेम्स ब्लेड, इसके एक प्रिकॉशनिस्ट थे जेम्स ब्लेड नाम का। मतलब सारे जो डॉक्टर वगैरह लोग थे ना, उसको मतलब जो उसके टीचर थे वो बोलते नहीं, बहुत लोगों ने उसको हतोत्साहित किया, लेकिन जब प्रिकॉशनिस्ट जी ने उसको देखा तो बोला कि नहीं नहीं, इसकी जो डिटर्मिनेशन थी, जो दृढ़ संकल्प था, इसका जो मतलब उस काम के प्रति स्पिरिट, मतलब वो वर्क था, हार्ड वर्क था, उसको देख वो बहुत उससे इंस्पायर हुई और बोले कि नहीं, ये लड़की बहुत आगे जा सकती है। उन्होंने उसको क्या किया, मदद किया। तो उसी तरह का सिर्फ मास्टर प्रिकॉशनिस्ट जेम्स ब्लेड, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, गॉड ने शायद उससे सुनने की कला ले ली है, बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन गॉड ने कुछ उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी दे के भेजा है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें उसे क्या किया है, देखे भेजा है। अरे तो व्हाट, अरे तो व्हाट वी हियर सी फील्स फार मोर डीपली देन एनी अदर। जो हम सुनते हैं उसको क्या करती है, हम लोग से कहीं ज्यादा वो चीजों को फील करती है। चीजों को क्या करती है, जितना हम सुनते हैं ना, ए अभी तुरंत एमसीक्यू एग्जाम होगा, जितना हम सुनते हैं उससे कहीं ज्यादा अपने शरीर से क्या करते हैं, उसको फील करती है। करे कि दैट इज वाई सी एक्सप्रेसिव म्यूजिक सो ब्यूटीफुल, इसी कारण वो म्यूजिक को बड़ा सुंदर तरीके से क्या कर देती है, क्लियर है। आगे एवलिन कन्फेसेस दैट सी इज समथिंग ऑफ वर्कहोलिक। देखो, और वर्कहोलिक उसको बोलते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं। क्या होता है,
काम के प्रति जो काम से रुके नहीं, हर दिन सुबह शाम दिन रात तक किसके बारे में सोचे, अपने काम के। तो सर एक एवरेज कॉन्फ्रेंस दैट सी समथिंग ऑफ वर्कलिक आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफ इन हार्डर देन द क्लासिकल म्यूजिशियन बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस। रिवॉर्ड जो था वो बहुत इनॉर्मस, मतलब भारी भरकम या बड़ा होता है रिवॉर्ड जो था, बड़ा था। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट एवलिन ऑल्सो गिव फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल। एवलिन क्या करती थी, बेचारी फ्री में भी कॉन्सर्ट देती थी, फ्री में भी परफॉर्मेंस देती थी। कहाँ पे, प्रिजन, प्रिजन समझते हो जेल, जेल में। और कहाँ पे, हॉस्पिटल में। सी ऑल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस ऑफ यंग बंदी लोग हैं, जो कैदी लोग हैं, उनके यहाँ पे जाकर अपनी अफवाह कर पकवाने, लोगों को अपने तरफ मत मुक्त करने, लोगों को आकर्षित करने के, लोग उसको सुनने के लिए लड़ाई करने के, लड़ाई की। ऑल्सो गिव सबको फ्री में म्यूजिक ट्रीटमेंट दे दी थी। सी ऑल्सो गिव हाई सर्विस टू द क्लासेस फॉर द यंग म्यूजिशियंस। जो यंग म्यूजिशियंस थे उनको भी प्राथमिकता देती थी। एक रिचलिन ऑफ द बेट मोहन ऑन फॉर डेफ चिल्ड्रन से सी इज असाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर द डेफ चिल्ड्रन। देखो एक बेट मोहन फंड है जो कि बाहरी बच्चों के लिए है। वो कहते हैं कि ये बाहरी लड़कों के लिए इंस्पिरेशन का काम करती है, मतलब प्रेरणादायक है। जो बाहरी लोग हैं इसको देख के इंस्पायर्ड होते हैं कि अगर एवलिन भी कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। दे सी दैट देयर इज नो वेयर नाउ हियर दैट दे कैन गो, मतलब कहीं भी वो जा सकते, मतलब किसी क्षेत्र में परफॉर्मेंस कर सकते हैं और किसी क्षेत्र में वो जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि अगर आपके हैंडीकेप है तो घबराइए नहीं। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आप हैंडीकेप हैं या फिर कोई उस चीज से हालात से गुजर रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर एवलिन कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। एवलिन बिनी हैज ऑलरेडी अकॉम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। मतलब एवलिन ने इतना बेहतरीन जगह पे और इतनी ऊंचाइयों को छू चुकी है, मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, मतलब अपने से दुगना एज के लोगों के साथ, मतलब वो क्या, मतलब उस ऊंचाई को छू पाई है। एवलिन रियली हैज ऑलरेडी अकॉम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। सी हैज ब्राउट परक्यूशंस to the front of our orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to both. Hey, देखो यहाँ पर कितना अच्छा बात लिखा। She has given inspiration, उन्होंने प्रेरणा दिया है जो उनको who are handicapped, जो क्या है handicapped के, जो विकलांग है, जो अपाहिज है, उनको क्या की है inspiration दी, उसको प्रेरित की है, ठीक है ना, उसको अपनी कला से inspired की है लोगों को। People would look to her and say, if she can do it, I can. अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। पर आप एक उनका कहानी सुने होंगे, वो जो लड़की थी, क्या नाम था, जो कृत्रिम पैर लेके, अरुणिमा सिन्हा, जो कृत्रिम पैर लेके बेचारे चढ़ गई कहाँ पे, माउंट एवरेस्ट पे। यानी उनके अंदर इतनी विल पावर था कि वो पूरी तरीका से क्या हो चुकी थी, मतलब घायल हो चुकी थी, छोटी हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपने मन में एक दृढ़ संकल्प रखा कि अगर मैं गिर गई हूँ तो एक दिन पर्वत को पता करके दिखाऊंगी। और अंततः की तो हमारे अंदर भी ऐसी होना चाहिए। ऑर्केस्ट्रा वो जो परफॉर्म होता है जहाँ पे लोग गाना गाते हैं, मतलब जहाँ पे लोग एक स्टेज होता है जहाँ पे लोग परफॉर्म करते हैं। गिवन इंस्पिरेशन टू लोग हु आर हैंडीकैप्ड, पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ शी कैन डू इट आई कैन, एंड नॉट द लिस्ट शी हैज गिवन इन आवर
ट्रिगर टू द मिलियन, और वो लाखों लोगों को क्या दी है, खुशियाँ दी है और इंस्पिरेशन दी है, मतलब मिलियन मतलब लाखों लोग उससे खुश हुए और लाखों लोगों को क्या दी, खुशियाँ दी, ताकि लाखों लोग उससे देख सके क्या दिए हैं, सीखे हैं और उससे इंस्पायर हुए हैं। ये क्लियर हो गया, ये पूरा इवलिन मिली जी की जो कहानी थी पूरा अच्छा से हमने क्लियर कर दिया, पूरा एक एक करके डिटेल कर दिया। अगर आप इसको देखना चाहते तो पिछले वीडियो में भी नॉर्मली आप जाके देख सकते हैं लाइन बाई लाइन, वहाँ पे पैराग्राफ लाइन बाई लाइन एक एक पार्ट में क्या क्या गया है अच्छा से देख किया गया है। चलिए ठीक है, मैं इसके जो राइटर है कौन है, पार्ट टू भी है सर, पार्ट टू भी है, यस वी विल रीड पार्ट टू।